आपने ये तो सुना होगा कि युद्ध इंसानों और इंसानों के बीच होता है, लेकिन आपने कभी इंसान और पक्षियों के बीच हुए युद्ध के बारे में सुना है? इस घटना के बारे में पहली बार जो भी सुनता है हैरान रह जाता है। दरअसल पूरा मामला साल 1932 का है, जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद रिटायर हुए सैनिकों को ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा पुनर्वास के लिए जमीनें दी गईं। ये जमीनें ज्यादातर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में दी गईं। रिटायर हुए सैनिक सरकार द्वारा दी गई जमीन पर खेती करना शुरू कर दिए। कुछ ही दिनों बाद इन खेतों पर विशालकाय जंगली पक्षी एमू का हमला होता है। इस हमले में फसलें नष्ट हो गईं और बड़ी संख्या में नुकसान उठाना पड़ा। वहीं इसके बाद रिटायर हुए सैनिकों का एक प्रतिनिधित्व मंडल ने सरकार से मुलाकात की और अपनी समस्या बताई। किसानों की मदद के लिए ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन रक्षा मंत्री ने मशीन गन से लैस सेना की टुकड़ी भेज दी। यहाँ आपको बता दें कि सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इन पक्षियों की संख्या 2, 4, 10 नहीं बल्कि 20,000 के करीब थी। 2 नवंबर 1932 को पहली बार सेना की टुकड़ी ने मशीन गन के सहारे इन विशालकाय पक्षियों को भगाने के अभियान की शुरुआत करती है। सेना को एक जगह पर 50 एमओ का झुंड दिखा, लेकिन जब तक वो मशीन गन से उन पर निशाना लगाते तब तक उन पक्षियों का झुंड ये समझ चुका था कि उन पर हमला होने वाला है और वो वहां से तेजी से भाग निकले और मशीन गन की रेंज से दूर हो गए। इसके बाद 4 नवंबर 1932 को ऐसा ही कुछ हुआ। सैनिकों ने करीब 1000 एमओ का झुंड देखा और वो उन पर फायर करने ही वाले थे कि मशीन गन जाम हो गई और तब तक एमओ का झुंड वहां से भाग निकला। हालांकि इस दिन 10 से 12 एमओ की जान जा चुकी थी। इस हमले के बाद एमओ भी सतर्क हो गए। कहा जाता है कि इसके बाद एमओ ने अपने झुंड को बांट लिया था और अलग अलग ही रहते थे और हर झुंड में एक एमओ को शिकारी सैनिकों पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस तरह वे अपनी जान बचाते रहे। ऑपरेशन में सैनिकों द्वारा करीब 2500 राउंड फायर किए गए, लेकिन 20,000 एमओ में से मुश्किल से वे 50 को ही मारने में सफल हो पाए। इसी बीच ये खबर मीडिया में लीक हो गई और पक्षियों को मारने का आदेश देने पर सरकार की आलोचना होने लगी। इसके बाद इस अभियान को वहीं पर रोक दिया गया, लेकिन इसके बाद एमओ का झुंड अब वहां के किसानों को और परेशान करने लगा। हालांकि इसके बाद 13 नवंबर को इस अभियान को फिर से शुरू करने का आदेश दिया जाता है। इसके बाद इस बार भी एमओ ने सैनिकों को खूब परेशान किया और उन्हें वहां से हारने और वहां से भाग जाने पर मजबूर कर दिया। इस ऑपरेशन के सेना इंचार्ज ने कहा था कि अगर इन एमओ की एक टुकड़ी मेरे सेना में होती और वे गन चला सकते तो हमारी सेना दुनिया की किसी भी सेना का सामना कर सकती थी। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।